हाँ भाई छोरू, तो आज अपन लोग दोबारा खेलने वाले हैं ब्लॉक्स फ्रूट। एंड आज की इस वीडियो में अपन लोग ग्राइंड करने वाले हैं सैंड फ्रूट को। एंड वेल सिर्फ ग्राइंड नहीं करने वाले, उसको अवेकन भी करने वाले हैं। एंड वेल जैसा तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ये लोग कतई बावरे हुए पड़े भैया, मार काट पे उतारू हुए पड़े। सो पहले निकल लेते हैं, अदरवाइज इन लोग भैया मेरे को ही काट के पाप ओवर बांट लेंगे आपस में, है ना। सो निकल लेते हैं अभी के लिए अपने काम धंधे की तरफ। एंड अवेकनिंग से पहले हम लोग जाने वाले हैं और आयुष की हेल्प करने वाले हैं। फॉर व्हाट? शार्क एंकर के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भैया हर बार वो ही हमारी हेल्प करे, कभी कभी हमको भी हेल्प करनी पड़ती है। सो निकल लेते हैं अपने काम धंधे की तरफ। एंड बैठ जाओ बे, क्या कंजर है यार ये सारे। चलो एक काम कर लेते हैं, जब तक ये लोग बैठते हैं अपन लोग आ जाते हैं और अपना वेटिंग में। मेरे पास कोई फ्रूट पड़ा है बढ़िया सा जो अपन लोग यूज कर सके रेड के लिए। हाँ कि सुने है, साउंड है एंड लाइट से तो क्या ही होगा एक्चुअली, है ना। और स्टैट देखे तो आता है। डैम बॉयस, मेरे तो स्टैट ही बर्बाद है भाई। कोई बात नहीं, अगर इस बार ना वो कर पाए तो नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे, है ना। कर लेंगे समाओ, कर लेंगे, है ना। एंड वाले काम कर लेते हैं, वेटिंग में डार्क ब्लेड लेते हैं ना भाई। मिथिकल स्वॉर्ड ग्रेड 1। ओके ये कौन सी ग्रेड है? नहीं जस्ट मिथिकल एक्चुअली, है ना। ऑलराइट तो डार्क ब्लेड ले लेते हैं, मेरे हिसाब से इससे अपना काम बन जाएगा। और उसके अलावा आ जाते हैं और मतलब मेहमत तो क्या ही करेंगे लेके अब, है ना, क्योंकि मास्टरी वगैरह तो है नहीं अपनी। बट ले लेते हैं अब मेरे हिसाब से भैया, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं अपने पास एक्चुअली, है ना। कोई बात नहीं, मेहमत इक्विप कर लेते हैं, दैट्स इट। वैसे भी चोप तो बकायदा बर्बाद है, सो ले बेटा एक्चुअली, है ना। ऑलराइट सो एक काम कर लेते हैं, बेड पे। ओए मैं कहीं और तो नहीं बैठ के आ गया? वेट करो, अबे वेट करो, लिटरली वेट करो, मुझे कौन, अरे मेरा अपहरण हो गया भाई, बहन के बच्चों। वेट मत, ये कह रहे हैं कुछ गाइस, लेट्स जस्ट गो, अनोइंग ब्रैट। ओके यू आर क्रिएटर, यस आई एम एक्चुअली, है ना। ए विल वी विल किल दैट, यस राइट, यस एक्चुअली, है ना। हाँ हाँ जिंदा हूँ, नहीं मरा। हाँ ओके तो हाँ मैं इनकी सही बोट पे बैठा हूँ ना, पहले मेरे को कंफर्म करने दो एक्चुअली, है ना। मेरा बच्चा तो एक भी नहीं है यहाँ पर, बात है एक भी। वेट, अब वेयर आर यू टीएसएड, मुझे अपहरण कर रहा है, वेट करो। अबे तुम लोग कहाँ हो? अबे यार भाई भावनाओं में बह गया ब्रो, अकेला छोड़ दिया मुझे। अरे अरे राधे, ओके आए यार लिटरली, क्या बकेती हुई है ये। मैं सोचू मैं 1 AM तक नहीं रह सकता। ओके Go and charge after TS. Okay, तो यहाँ पर है भैया अपना सैंक्स, मैं चुनी आयुष, ठीक है। ओके बच्चों, बोट कहाँ है अपनी? बोट कहाँ है आयुष बेटा? अरे निकल लिया, चलम फूक रहे हैं। ओके नेवर माइंड, एक काम करते हैं फटाफट से भैया अपने आयुष का टेरर शार्क कंप्लीट करवाते हैं, उसको अपना क्या बोले उसका वेपन दिलवाते हैं और देन चलते हैं अपना सैंड फ्रूट अवेकन करने के लिए। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहां पर आ चुके दो टेरर। व्हाट द हेक, ओए मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ओ भाग था, ओए दो टेरर है, ओ चमार, ओए अब नहीं, ओए नहीं, ओए मुझे बचाओ, अरे मैं ओए मुझे बचाओ, मैं गुंडों में फंस गई। व्हाट द हेक, ओए 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 व्हाट द हेक, ये सारा ये क्या बात होती है यार, है आयुष भ्राता, व्हाट द हेक इज दिस, अरे साला ये तो दो दो आ गई यार। चलो एक काम करते हैं, छोटे मोटे बच्चों को तो मैं ही उधेड़ दूंगा क्योंकि आई हैव मैमथ,
दैट्स व्हाई मैंने मैं मत लिया और मैंने हाँ इसकी क्या बोलूँ उसे स्टैट वगैरह रिफंड कर लिए ताकि मैं इनको उधेड़ सकूँ है ना। एंड मतलब ये अपने आयुष इनको लो करेगा मतलब हम लो करेंगे और वो कूटेगा ये बात है ना। और ये वाइट अच्छा ये येलो वाली टेरर नहीं चाहिए अपने को चाहिए ग्रीन वाली टेरर। वेट करो अब इनमें से एक भी है क्या नहीं है वेट वाद है इनमें से तो कोई भी टेरर नहीं है यार मतलब वो वाली नहीं है जो अपने को चाहिए। नेवर माइंड ऑल राइट तमिल भैया हम लोग काफी टाइम से लग रहे हैं ऑलमोस्ट भैया एक घंटा हो गया। एंड वेल गेस व्हाट हमको शार्क एंकर नहीं मिला क्योंकि हमको भैया वो वाली टेरर ही नहीं मिली जिसमें शार्क होता है। ओके बिकॉज मेरा फोन ओके बाकी कल रात अवेकनिंग तो करवाएगा ना नहीं तो मार दूंगा बहुत देर से लग रहा हूँ तेरे चक्कर में। ओके फोन हीट हो रहा है अवेकनिंग करा पहले जाने नहीं दूंगा नहीं जाने नहीं दूंगा बहुत 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 नहीं चढ़ूंगा ब्रो बहुत ज्यादा। ओके ऑलराइट सो यहाँ आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ईट सैंड फ्रूट है ना क्योंकि अवेकनिंग करनी है इसकी जे बात। ओके ऑलराइट सो ये अवेकनिंग एक ही करवा पाऊंगा बट एवर लेट्स ही देखते हैं चलो ठीक है। ओके सैंड फ्रूट खा लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्या मैंने भैया से सारे मूव अनलॉक कर रखे हैं ओ या बी मूव रह रहा है टेक मी टू बॉस ओए कहाँ मर गया ओए लीचड़ हे इधर चल बॉस के पास चल चल अरे बेड़ा गर्क हो तेरा साला इसमें तो यूज करना और ना है फ्रूटो कहाँ मुंह काला कराऊं कहाँ जाऊं। अरे आई नो कहाँ जाना है आई नो एक्चुअली ना अपनी प्यारी ओ या सी इज हियर एक्चुअली ना ओ हाय दीदी व्हाट्स अप कैसी चल रही है तेरी जिंदगी हाँ इधर आ तेरी जिंदगी में कल मुही में जहर घोल हुआ तेरी जिंदगी में मैं क्या बोले उसे कष्ट पहुँचाऊँ तुझे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत अरे कताई भर दूंगो क्या सोच रही है ऐसे मजाक में ले रही है मोए हल्के में ले रही है का हैं बहुत ऐसा मुक्का दे दूंगा ना मर मुर जाएगी यहीं पे मेरे से लड़ेगी उठने ही नहीं दे रहा उसको कितना अत्याचारी हूँ मैं डैम मुझे नर्क भी ना मिलना मिलने वाला भाई मुझे तो नर्क भी नहीं मिला मैं बताऊँ बाकियों का पता नहीं मैं अपना शर्ट आनूँ कि भैया मुझे तो नर्क भी नहीं नसीब होने वाला इतना बोम है कबूल से बदमोश ले दीदी अटैक्स सहन कर। ओके ये अपना जेड मूव ये अपना एक्स मूव जिसमें तू एक कॉफिन में बंद हो जाती है नाइस आई लाइक इट। ओके नेक्स्ट वन इज अपना सी मूव टोर्नेडो मास भैया का फेवरेट मूव आई लाइक इट। ओके कम हियर जेड मूव अगेन एंड अगेन एक्स मूव मर जा अरे मर जाओ कल मुझी मर जा रे तो मौत ना ही सबन को आ गई ये ले तो भी आ गई। ओके तो इसी के साथ अपना वी मूव भी अनलॉक हो चुका है हैवी सैंड सैंड। ओके सो इट इज आर वी मूव लेट्स रिप आई लाइटनिंग आई लाइक इट नॉट रियल हैज जॉइंट पता नहीं कौन है बट अवेकनिंग में पकड़ रिप आई है तो मस्त एक्चुअली है ना। ऑल राइट लेट्स गो बैक टू आर ठिकाना वेट इट मिनट नहीं आना था यहाँ ओके चलो सही है लेट्स गो वेट इट मिनट आयुष भग गया नहीं ईजियर अरे तो कैसे बगलेगा तो जाएगा काम उससे हो जू बेसमेंट में पकड़ के मारूंगा ससुरे को फिर। ऑल राइट हियर वी आर बॉयज एंड गर्ल्स तो आवाज आती है और ये वाली रेड क्लियर कर लेते हैं। एंड वेट इट मिनट मैंने आई गेस भैया सैंड रेड वाला एरिया देखा ओह यस डेफिनेटली ये डिफरेंट है ओके डेफिनेटली ये डिफरेंट है भाई डेफिनेटली ओके। एंड आयुष की कोबड़ी बहुत बकरी है क्योंकि लिटरली आज सुबह से पच रहा है भैया पर इसको शार्क एंकर नहीं मिल रहा और उसके अलावा अब फिर अभी हम एक दो घंटे से लग रहे थे और इसको अब भी नहीं मिला। एंड देन भैया मैंने पकड़ लिया मैंने कहा साड़े कहाँ जा रहा भूतनी के डर जा अगर भगा तो ध्यान रखिए तेरे को बेसमेंट में उम्र कैद करवा दूंगा। सो यप ना चाहते हुए भी भैया अपने आयुष को यहाँ रुकना पड़ रहा है और रेड करवानी पड़ रही है पुअर गाय पुअर गाय। ओके बॉयज अगर तुमने वीडियो लाइक ना की हो तो भैया अपने आयुष के लिए कर देना बेचारा आज बहुत संघर्ष कर रहा है ओके यार सही बताओ यार आयुष में दया आ रही है मेरे को
उसका पोकेमोन ट्रेनर ही ऐसा है, क्या करे बेचारा, नेवर माइंड। ओके सो ये वाली रेड भैया पूरी करवाते हैं और देन आयुष अपना भग जाएगा, और उसके बाद ऐसी बात नहीं है, और भी बंदे हैं अभी तो बाहर है ना, काफी सारे लोग डोल रहे हैं, तो उनको अरसट्टे में ले लेंगे और देन उनको मजदूरी करवाएंगे। यस, और भाई तो यहाँ पर अपना चुन्नी बाबू भी आ चुका है, ये जी हाँ जो ये नॉट रियल अकाउंट है ना, ये चुन्नी बाबू का है मेन अकाउंट, इन केस तुम ना जानते हो तो बता देता हूँ, ठीक है। और राइट सो फटाफट से भैया ये रेड क्लियर करते हैं और सबको सूट दे रहे हैं। और भाई तो तुम्हें पता है आज मैंने एक नया माउस मंगाया क्योंकि मेरा जो माउस था वो खराब हो चुका था। सो भाई ये माउस इतना बर्बाद है लिटरली, क्या बताऊँ, इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा यार। मतलब जो मेरा पहले वाला माउस था वो था लॉजिटेक का, ओके एंड सही था वो, मतलब मेरे लैपटॉप के साथ फ्री आया था ऑफर में, दिवाली टाइम का ऑफर, सो वो सही था वो एक्चुअली है ना, उसकी कीमत थी कुछ 2100 एक्चुअली है ना, बट एज आई टोल्ड यू लैपटॉप के साथ फ्री मिला तो मुझे तो फ्री ही मिला था, ओके सो मेरा बेनिफिट था एंड मैं सोचूं कि ठीक है, मतलब इतना कुछ स्पेशल नहीं है। बट आज जब भैया ये नॉर्मल वाला माउस लिया ना, तब पता चला कि भैया वो कितना स्पेशल है, लिटरली भाई बहुत स्मूथ था यार ये स्लो, ये वाला माउस लिटरली बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है यार, इरिटेट कर रहा है मेरे को, है ना, बहुत ही स्लो है वो, फास्ट, वेरी फास्ट, लिटरली वेरी फास्ट एक्चुअली है ना, ये उतना फास्ट नहीं है, ये इरिटेट कर रहा है मैं, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है एक्चुअली है ना। सस्ते का मतलब पता है कितने का है ये माउस, ये वाला माउस लिटरली 170 रुपीज का है एक्चुअली, ओरिजिनल कीमत थी 169, बट मैं 69 नहीं बोलना चाहता तुम लोगों के सामने, देन तुम लोग मतलब गंदी सोच वाले इंसान। और हाँ गंदी सोच से याद आया, तुम्हें पता है अपन लोगों ने भैया डर्टी माइंड टेस्ट किया है, हाँ उसकी वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, या फिर इसके बाद आ जाएगी, चेक करना, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा माइंड डर्टी नहीं है तो चेक करना। मेरा तो भाई मतलब क्या ही स्पॉइलर दूँ तुम लोगों को, हाँ देख लेना वीडियो देख लेना, चल जाएगा पता एक्चुअली ना। ऑल राइट तो अभी के लिए तो भैया मैं इन लोगों को सट्टे लगा लेता हूँ, इन लोगों को कूट लेता हूँ, बहुत सारा पैसा पानी मिलेगा, ओ इधरा वेट और राउंड करना पड़ेगा, नो नीड टू वरी ब्रदर, आई हैव मोर पावर देन यू थॉट। हाँ हमारी तो एनर्जी और बीत गई यार, बेचारे चुन्नी बाबू के फोन की बैटरी बीत गई, वो बेचारा बैठा हुआ है कि भैया अपन लोग हम लोग मैंने उससे कहा था कि अपन स्किबिडी टावर डिफेंस खेलेंगे तो वो उसके लिए आया था, बट देन मैंने उसको भी स्कैम कर दिया, मैंने उससे कहा कि पहले अवेकनिंग करेंगे देन करेंगे, बेचारा कब का बैठा हुआ है। यार कभी कभी मेरे को लिटरली फील होता है कि यार मैं इन बच्चों के साथ कितना कितनी जाती करता हूँ यार, है बेचारे, दे हैव नो लाइफ, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, भगवान इनकी आत्माओं को शांति। खैर चलो दैट्स वाई तो भैया मैं तुम लोगों से कह रहा था कि भैया मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए नहीं मिलेगी ओके, मैं बहुत अत्याचारी हूँ भाई, या तो हिटलर था अत्याचारी या मैं हूँ अत्याचारी, बहुत ज़्यादा भर भर के कतई एक्चुअली है ना। एंड बोल भैया हम लोगों ने ये रेड क्लियर कर दी है एंड आ जाती है और अपना पहला मूव हम वेकन कर लेते हैं, जो है अपना डेजर्ट स्वॉर्ड, जो अब बनने वाली है अपनी एक्सेंट। ऑलराइट डेजर्ट स्वॉर्ड से ये अपनी बन चुकी है, एटॉमिक्स कितना फ्रैग है, बहुत है ब्रो, अनुई थैंक्स टू अनुई एक्चुअली है ना, यप उससे कहा था उसने भैया पूरे ग्राइंड कर दिए, अनुई छोड़ा तो जहर है अपना एक्चुअली है ना। ग्राइंडिंग करवा लेता हूँ उस पर बढ़िया, नरक भी नहीं मिलने वाला मेरे को तो, नेवर माइंड। ओके सो ये अपनी बन चुकी है डेजर्ट सोर्ड से डेजर्ट ब्लेड, ही डैम लेट्स ट्राई एंड बूम, ओ नाइस भाई, इसको तो ट्राई करना पड़ेगा, ओके इसको डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा है ना, अरे कितना मस्त मूव है यार, है डार्क सा निकलता है और उसके बाद फिर आई लाइक इट एक्चुअली है ना, तो जेड मूव भाई, इसको डैमेज भी मस्त है यार, पहले वाली का आई गेस 2500 के समथिंग था एक्चुअली है ना, इसका देखो डैम भाई, इसका लिटरली भाई 3000 या फिर समथिंग ऐसा है, आई लाइक इट,
रियली लाइक इट. ओके सो कोई तो आया तो मैसेज कर रहा है थैंक्स. ओके द टेर शार्क टमाटर बड़े मजेदार. ओके ब्रो नो वरी यू कैन एक्चुअली है ना. ओके सो अभी के लिए फोकस कर लेते हैं यहाँ पर. ये नो यार यार कसम से यार ये वाला मूव जहर लगा मेरे को है ना. कतई ही जहर है एक्चुअली है ना. ऑल राइट लेट्स गो देर एंड अरे वेट मिनट मेरे पास तो ऐप मूव है ना इसके अंदर है तो सही बट बर्बाद है कतई. होपफुली अवेकनिंग के बाद ये वाला मूव अच्छा हो जाए. ऑलराइट सही ये वाली रेड भी अपनी क्लियर हो चुकी है एंड भैया नॉट बैड. हम दोनों ने मिलकर भैया उन चार पांचों के बराबर ही टाइम लिया. सो हे नॉट बैड एक्चुअली है ना. ऑलराइट सो वेल इसका सेकंड मूव है एफ मूव जो है अपना सैंड फ्लाइट जो आई गेस अब बनने वाला है अपना एफ मूव जो क्या बनेगा लेट्स सी एक्चुअली है ना. सैंड मूव टू टॉर्नेडो फ्लाइट हे ओके लेट्स सी. पहले तो इसको अनट्रैक करने दो. ओके एफ मूव ऑलराइट तो मतलब अटोमिक स्पाई क्यों एन एस टी करता है यार क्यों ना एस टी डी करते हैं. थ्री मोर डर जा बच्चा बस होने वाला है वेट कर चिल मार एक्चुअली ना. यार लिटरली इस बेचारे को इतना मैं बता रहा हूँ मैं भाई मुझे ना मिल रहा नरक भी अब ठीक है. इतनी बद्दुआ ले चुका हूँ मैं अपने बच्चों की कहाँ बताऊँ. इतने सारे बच्चे बेसमेंट में पटक रखे हैं. ऑलराइट सो भैया इस बार मैं अपने साथ काफ़ी सारे बच्चे पकड़ के लाया हूँ. लास्ट वाली तो भैया मैंने और अपने चुन्नी बाबू ने मिलके की थी बट अब तुम देख सकते हो भैया यहाँ पर काफ़ी सारे छोरे हैं और ये वाला छोरा रैंडमली आया है जस्ट ग्राइंडिंग फ्रैगमेंट. मुझसे कह रहा था ब्रो अगर मैं फ्रूट लगाऊं या तू लगाएगा. मैंने डोंट वरी ब्रो तू मेहनत करवा रहा वही बहुत है एक्चुअली है ना. ये फ्रूट फ्रूट वाली काम हम कर लेंगे. सो मेरे पास वैसे भी काफ़ी सारे गार्बेज फ्रूट पड़े. मैंने कहा यार ओम बट सुहा आज की रात होना है क्या पाना है क्या खोना है क्या. मैंने लगा दिया फ्रूट एक्चुअली है ना. वैसे भी नॉर्मल फ्रूट. अरे भी फ्रूट से याद आया अपन लोगों ने अभी तक भैया फ्रूट ओपन नहीं किया. मेरे पास पैसे देख रहे हो ना तुम बहुत सारे हैं तो या यू आर राइट ब्रो इन माय मिट ब्रो. ओ लकड़ बग्गे चल ले भाई. हाँ और कल वाली वीडियो में वेट कल डाली थी परसों पता नहीं ये वीडियो कब डालूंगा बट कल वाली एक्चुअली वो भूत वाली एक्चुअली है ना वो बैड पेरेंटिंग वाली वीड़ियो. तो भले उसमें मैंने कहा था भैया लकड़ बग्गे क्या होते हैं. तो भले तुम में से एक बंदे ने मेरे को कमेंट करके बताया कि ब्रोदर लकड़ बग्गे जो होते हैं ना उन्हें हाइना होते हैं वो. या हाइना एक एनिमल होता है कुत्ते जैसा तो उसे कहते हैं लकड़ बग्गा. हे नाइस टू नो एक्चुअली है ना मुझे पता नहीं था. मुझे रियली में नहीं पता था. ओके सो हे थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन भ्राता जी. मुझे मतलब सही लगा सुन के यार. मुझे एक्चुअली में नहीं पता था भैया कि लकड़ बग्गे को हाइना को लकड़ बग्गा कहते हैं. मुझे तो बस पता था कि लकड़ बग्गा कहते हैं क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी बट सुनो उसकी क्या था. बट अब पता है मुझे कि लकड़ बग्गा क्या होता है. एंड भैया इस वाली मूव पर मैंने 2000 अपने फ्रैगमेंट फूके हैं एंड मुझे कोई फर्क ही नहीं दिख रहा. ए साला बर्बाद है यार. और वैसे भी भैया अब जब ये छोरे ग्राइंड कर रहे हैं ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्या है मेहनत करूँ. मैं जस्ट सिंपली सेट कर लेता हूँ एक्चुअली है ना अपना शैंक्स अपना चुन्नी बाबू और अपना एक वो रैंडम बच्चा खा गया. वेट व्हाट द हेक पर ले वो कूदरा बन मानूस अरे ओए तो वो खुद भैया लिटरली वो ऐसे ही बैठ के मजे ले रहा है बस. पाप लगेगा सारे देख लियो तो वो पाप लगेगा एक्चुअली है ना. ऑलराइट सर भैया हमने ये वाली रेड भी क्लियर कर दी है एंड यस हमने ये वाली रेड ऑन टाइम पूरी की है. तो आ जाते हैं यहाँ पर भैया पहले तो अपना ये वाला वेट कौन सा मूव था अपना सैंड टोर्नेडो. ओके सो अपना सैंड टोर्नेडो अनलॉक वेट सैंड टोर्नेडो डेजर्ट फ्यूनरल गेट इट. ओके सो अपना डेजर्ट फ्यूनरल बन चुका है सैंड कॉफी ना. ओके एक्स मूव एंड बूम बस
मैं सोचा कुछ ज्यादा ही होगा। नेवर माइंड। ओके तो सेंग्स गए फिर है यहीं पे। ओके लेट्स सी कम। ओके शेडो शेंग्स व्हाटएवर जो भी हो आ जाओ एंड लेट्स गो फॉर अनदर रेड बच्चे है ना। आइस फ्रूट जाना दे कोई गलीश नहीं है। नो नीड वेट स्टार ट्रैक व्हाटएवर वेट अ सेकंड। अपना चुन्नी बाबू जा चुका है राइट। यस यस ही इज गॉन एक्चुअली है ना। अरे रे चुन्नी वेट। ओह सैंक्स आ गया एक्चुअली है ना। चल आ जा सैंक्स लेट्स गो फॉर अनदर रेड एक्चुअली है ना। ऑल राइट शुड आई बाय क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आएगा। ओ दे आर एक्चुअली नाइस। ओके टॉक टू हिम नॉर्मल फ्रूट नेक्स्ट 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 एंड सैंड ट्रेड एंड बाय दैट्स इट। ओके ही एटोमिक्स वेयर डिड यू गो इन लास्ट ट्रेड। वही तो था हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। नेवर माइंड ब्रो नेवर माइंड एक्चुअली है ना। ओके तो अपना चुन्नी बाबू जा चुका है सो नाउ ही एंड मी ओनली। या अच्छा ठीक है यप सोलो काइंड ऑफ कह सकता है तू एक्चुअली है ना। अरे तू कहे डर रहा है ब्रो तेरे पास तो क्या बोले अपना सुनी शक्तियाँ है ना दिखा तेरी शक्तियों का जलवा। ओके सो मैं भी यूज कर लेता हूँ भाई अपना मूव एक्स मूव आई गेस बाहर सही से यूज नहीं हुआ ब्रो। लेट मी ओके लेट मी सहराम करो यहाँ सही 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 है आजा एंड बूम। यार सेम तो है ये यार ये हैं मुझे लगा कुछ स्पेशल होगा नहीं इट विल टेक टाइम फॉर मी। ऑल राइट सो भैया मैं सोच रहा हूँ ये काम कर लेते हैं आज के लिए भैया अपन लोग सिर्फ इतना ही करते हैं। ओके आज के लिए भैया अपन लोग अपने इस सैंड फ्रूट का सिर्फ ये सी मूव अनलॉक करेंगे बी मूव नहीं क्योंकि सही बताऊँ भाई बंदे जा चुके हैं ठीक है एंड ये बंदा भी जाने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि जाएगा या नहीं जाएगा मतलब या इस बार इस वाली रेड के लिए तो हेल्प करने आ गया बट नेक्स्ट के लिए आएगा या नहीं हू नोस एक्चुअली है ना। सो यस भैया ये वाली अपनी आखिरी रेड होगी क्योंकि पता नहीं ये हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा सो लास्ट कर लेती हैं उसके बाद अपन लोग चलेंगे क्योंकि मेरे को सही कहूँगी ये वाला फूड उतना ज़्यादा खासा अच्छा लगा भी नहीं है एक्चुअली है ना जय बात। ऑल राइट तो मेरे इस वाली रेड में टाइम लग गया बट अपनी काम बन चुका है एंड आ जाते हैं यहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं अपना नेक्स्ट अवेकन अवेकन एक्चुअली है ना 4000 में एंड अपना सैंड टोर्नेडो बनने वाला है अब सैंड स्टॉर्म नाइस नी लेट्स सी। I like it. Okay, wait. Oh, winter, cloudy, what the heck? काहे guys, काहे? हैं? काहे इतनी ज़्यादा आत्मा में तुम्हारे तृप्ति छूट रही है साड़े हो इधर आओ वाह कमाल है कोई भी मतलब पायरेट्स को मारने के लिए नहीं आया। चलो सही है ओके तो मिल भैया आपने वो अगर कोई कमाल का फ्रूट मिल गया तो मैं इस बंदे को दे दूंगा क्योंकि इस बेचारे ने काफ़ी हेल्प करवाई है अपनी। हाँ बच्चों की तो खैर क्या ही बात करूँ उनके पास तो मेरा अकाउंट ही है। जो लेना है ले लो कलेश नहीं कते ही ना 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 नो नीड टू वरी है ना टेक वाट एवर यू वांट। बच्चों के लिए तो भैया सब कुछ अपना है ना बेसमेंट के बच्चे मजदूरी करवाते हैं तो या उनके लिए जान भी हाजिर। बस मांगना मत दूंगा नहीं कहने ही बात है बस जी हाँ। ओके सर कम हियर प्लीज प्लीज हमारे हाथों से मारे जाओ ताकि हमें फ्रूट मिल जाए हैं। ओके नहीं मिला उसे मिला है नेवर माइंड चलो ठीक है अच्छा बुरा तब भी मैं उसे वो देने वाला था सो नो नीड टू वरी एक्चुअली है ना। एंड वेल भाई से कहूँ आज आज भाई मूड पछिया करते हम लोगों का है ना इतनी वो कर ली पहले तो भैया वो क्या बोले अपने उस शार्क एंकर के चक्कर में आधे घंटे बकचोदी आधे घंटे वहाँ टाइम पास किया एंड देन यहाँ मुँह काला करवाया। कुल मिला के बात ये है भैया कतई मूड खराब हो गया हम लोगों का सो आज के लिए बस इतना ही।